नमस्कार, जनतंत्र प्रो टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 10 मई से 24 मई तक 15 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में शादी समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। शादी से संबंधित किसी भी तरह के समारोह, डीजे, बारात और प्रतिभोज की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। शादी घर पर या कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिनमें केवल 11 लोग शामिल हो सकते हैं। इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। शादी में बैंड, बाजे, हलवाई, टेंट या अन्य प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के काम स्थगित रहेंगे। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक लगने वाले लॉकडाउन को लेकर धौलपुर पुलिस ने कमर कस ली है। एसपी केसर सिंह शेखावत ने सभी पुलिसकर्मियों को लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन के सभागार में एसपी ने लॉकडाउन की तैयारियों पर थाना अधिकारी, कोरोना कंट्रोल रूम प्रभारियों और आरएसी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एसपी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जिले के कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए कर्तव्य पालन के साथ सामाजिक सरोकार निभाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में मदद करें। अलवर के कटला और भटियारों की गली के बाजार में लॉकडाउन का असर बात की जाए किस तरह से देखने को मिल रहा है, तो कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ सुबह 11 बजे से भीड़ बनी रहती है। लापरवाही ऐसी है कि हद पार हो चुकी है कि जिले में संक्रमण घर घर में पहुंच चुका है। आए दिन कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है। रोजाना आने वाले संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। अलवर में अब किराना की दुकानें सप्ताह में 3 दिन ही सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। मुख्य बाजारों में पुरानी दुकानें हैं, यहाँ पर थोक और खुदरा दोनों तरह के ग्राहक आते हैं। इस कारण सुबह 11 बजे तक बाजारों में भीड़ से जाम के हालात रहते हैं। हर बार बाजार खुलने पर यही नज़ारा देखने को मिलता है, जो बेहद चिंताजनक है। प्रशासन की तरफ से भीड़ को काबू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उदयपुर में कोरोना से जंग जीतने के लिए कई लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ पूर्व विधायक स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी प्रीति शेखावत लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। उन्होंने उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा को 5 लाख का चेक सौंपा। उन्होंने यह राशि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए भेंट की है। टोंक जिले के उनियारा उपखंड की उप तहसील मुख्यालय बनेठा में कर्मचारियों को घर घर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान नायब तहसीलदार ने सभी कर्मचारियों को घर में जाकर खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित मरीजों की सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं और कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने पर जोर दिया है। नायब तहसीलदार ने कहा है कि कोई भी कर्मचारी सर्वे में लापरवाही बरतता है या झूठी सूचना प्रशासन को देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ जिले की तहसील टिब्बी में जिला कलेक्ट्रेट नथमल डिडेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने CMHO एवं चिकित्सा डॉक्टर रोहित भोदू को अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 10 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाकर उसमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अलवर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते स्थिति चिंताजनक है। रोजाना कोरोना से संक्रमित लोगों की मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अलवर के सांसद बाला बालकनाथ ने राजकीय सामान्य चिकित्सा
ईएसआईसी हॉस्पिटल और कलेक्ट्रेट का दौरा किया। इस दौरान सांसद ने हॉस्पिटल के स्वास्थ्य प्रशासन सहित जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। जनतंत्र टीवी के संवाददाता कपिल अग्रवाल ने सांसद बाबा बालकनाथ से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन मरीजों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऑक्सीजन की कमी है, इसको लेकर अलवर सांसद बाबा बालकनाथ बेहद गंभीर है। आज बाबा बालकनाथ ने अलवर के जिला अस्पताल ईएसआईसी हॉस्पिटल और कलेक्ट्रेट से मीटिंग की। हम बात करेंगे बाबा बालकनाथ से। आज आपने मीटिंग की, क्या पूरी मीटिंग रही और उसके बाद आपने क्या दिशा निर्देश दिए, क्या अस्पताल में खामियां दिखी? देखो, जब से दूसरी लहर कोविड की आई है, कोरोना की आई है, तब से निरंतर जो है कि डॉक्टरों के संपर्क में और यहाँ के जिला प्रशासन के संपर्क में हम निरंतर हैं। फ़ोन के माध्यम से हर सिचुएशन के बारे में जानकारी लेना और किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है, किस प्रकार से जो कोरोनाग्रस्त मरीज हैं उनका इलाज बेहतर किया जा सकता है, किस प्रकार से ऑक्सीजन की किल्लत ना हो और गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों को दोनों को समान रूप से ज़रूरत अनुसार ऑक्सीजन मिलती रहे, इन सभी व्यवस्थाओं पर लगातार टच में है। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ता जा रहा है, इसमें क्योंकि इसका सबसे सफल और सबसे इस समय का इलाज यही है कि हम सब अपने आप को कोरोना से बचाएं। महाराज जी, एक चीज़ है कि भिवाड़ी में हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, प्रशासन ने उसे अपने कब्जे में नहीं लिया, केंद्र सरकार ने उसे कब्जे में ले लिया, जिससे बाहर ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई हो रही है, अलवर में कम मिल रही है। पिछली बार जो दो कलेक्टर थे उन्होंने सबसे पहले अपने कब्जे में लिया, जिससे अलवर में पूर्ति हो सकी और बाहर बाद में बचने के बाद दी जा सकी, इसमें मतलब किसकी कमी रही? इसमें आपको थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। केंद्र सरकार ने उसको ओवरटेक किया, केंद्र सरकार ने स्टेट को दिया, एक बार सेंट्रलाइज किया, सेंट्रलाइज करने के बाद में डिसेंट्रलाइज राज्यों के ज़रूरत के अनुसार राज्यों को ऑक्सीजन जो उनको नज़दीक पड़ता है ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट उनको दिया। वो ऑक्सीजन प्लांट केंद्र सरकार ने लेकर और स्टेट को दे रखा है और 120 केएल की उसकी क्षमता है पर डे, उसमें से 100 केएल जो है कि राजस्थान सरकार पूरे स्टेट के अंदर भेज रही है, मात्र 8 से 7 केएल ही ऑक्सीजन यहाँ अलवर को दी जा रही है। अलवर जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट पर भी सांसों का इतना दबाव पड़ गया है कि खुद की सांसें कमजोर पड़ने लगी। इसके कारण जिला अस्पताल में लगे 500 LPM प्लांट में बन रही ऑक्सीजन की शुद्धता 90 से नीचे गिरकर 73 तक पहुंच गई है। इससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। हालांकि जिला अस्पताल प्रशासन का दावा है कि कुछ समय के लिए प्लांट की ऑक्सीजन की शुद्धता तय पैमाने से नीचे रही थी, जिसके बाद इसे ठीक कर लिया गया है। असलियत ये है कि कई दिनों से प्लांट में ऑक्सीजन की शुद्धता काफ़ी नीचे चल रही है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। श्रीगंगानगर के ब्लॉकों में बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए SDM ने कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। SDM ने कोरोना मरीजों के घरों में पहुंचकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान कई अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे, वहीं उन्होंने कर्मचारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त किल्लत हो रही है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लाख कोशिशों के बावजूद इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि जरूरतमंदों को इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंजेक्शन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया, लेकिन प्रदेश में अभी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत दौसा जिले में सख्ती देखने को मिली। यहां पुलिस ने 11 बजे के बाद दुकानों को बंद कराया, साथ ही फल और सब्जी के ठेलों को भी सड़कों से दूर हटाया ताकि लोगों को मूवमेंट कम हो। ऐसे में अब शनिवार से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, साथ ही 10 मई से लॉकडाउन लग जाएगा, तो निश्चित रूप से आज के बाद किराना की दुकानें नहीं खुलेंगी। ऐसे में लोग बाजारों में ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए जुटे हैं। आगामी लॉकडाउन के दौरान उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो, शासन और प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। राजस्थान के बारा में कोरोना महामारी भयंकर रूप लेती जा रही है।
ऐसे में अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। सख्ती के लिए पुलिस ने शहर के चौराहों के पास चेक पोस्ट बनाई है, जहां पुलिस हर समय मुस्तैद है। चेक पोस्ट के माध्यम से पुलिसकर्मी 24 घंटे में ड्यूटी देकर बेवजह बाजार में घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।